डेली साइंस डोज के डोज नंबर 13 में हम बात करेंगे सही अप्रोच के ऊपर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। देखिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे हम 121 से। देखिए बाकी का जो भी डोज है, सभी का सभी क्वेश्चन हर एक डोज में मैंने अच्छे ढंग से सही अप्रोच आपको सिखाते हुए करवा दिया है। तो आप पहले प्लेलिस्ट में जाइए, डेली साइंस डोज फिजिक्स के नाम से मैंने बना रखा है, वहीं से आप सबसे पहले सभी डोज को देखिए, ताकि आपका जो बाकी का क्वेश्चन है वो आपको अटेम्प्ट करने का सही अप्रोच पता हो सके और आपका जो साइंस का पोर्शन वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो पाए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 से, और क्वेश्चंस को हम सिर्फ अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे एमसीक्यू फॉर्म में, साथ ही साथ सही अप्रोच भी सीखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड क्या होगी, ठीक है। तो अगर आपको स्कैप वेलोसिटी, ठीक है, स्कैप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पता है, यानी कि मुक्ति वेग का कॉन्सेप्ट पता है, तो आप आसानी से इसका आंसर कर सकेंगे। देखिए मुक्ति वेग आखिर होता क्या है, मैंने आपको बताया मुक्ति वेग, एक कॉन्सेप्ट बताया मुक्ति वेग। तो आखिर ये जो मुक्ति वेग है, ठीक है, ये मुक्ति जो वेग है ये आखिर है क्या, तो समझिए मुक्ति वेग वो वेग है जिस वेग से अगर आप किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकेंगे तो क्या होगा, अर्थ से बाहर, ये जो अर्थ है अर्थ से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा और निकल के अर्थ के चारों तरफ इस ढंग से रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। तो उसी वेग को, मतलब जितना वेग से आप उस वस्तु को, किसी एक वस्तु को, ठीक है, फेंकेंगे बाहर की ओर, वो जो वेग होगा उसी वेग को बोलेंगे मुक्ति वेग। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड क्या होगी। देखिए अगर आप किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के, ठीक है, किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से फेंकेंगे ना, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो अर्थ से बाहर निकल जाएगा और निकल के अर्थ के चारों तरफ इस ढंग से रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो ये रहा ऑप्शन, ध्यान दीजिए, पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, बिल्कुल पृथ्वी पर कभी लौट ही नहीं सके, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो क्या करेगा, चारों तरफ इस ढंग से पृथ्वी, अर्थ के चारों तरफ इस ढंग से क्या करना, रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर भी क्या होगा, पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। इसे एक चीज़ आप और याद रखिए कि जो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है ना, ये वाला 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड जो स्पीड है, ये आपका मुक्ति वेग है, ठीक है। इसी स्पीड को, इसी वेलोसिटी को बोलेंगे मुक्ति वेग, पृथ्वी का मुक्ति वेग, मतलब जिस स्पीड से अगर किसी वस्तु को बाहर फेंकेंगे पृथ्वी से, तो वो गुरुत्वाकर्षण का बाहर निकल जाएगा, पृथ्वी के चारों तरफ वो घूमने लगेगा, मतलब पृथ्वी से कभी वापस वो आएगा ही नहीं। तो ये वाला आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए टिक करते इसको, बिल्कुल पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया, बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है आपसे, बोलिए कि जब एक पृथ्वी, सॉरी, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाए तो क्या होगी। जब एक पत्थर को चांद की सतह से, मतलब चांद से आपने एक पत्थर को लेकर आया, कहाँ पे, पृथ्वी पर लेकर आया, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है, उसमें क्या जो है चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए मैं एक चीज़ यहाँ पर समझा देता हूँ, जब भी आप चांद से किसी पत्थर को पृथ्वी तक लेके आएंगे ना, तो उसका जो भार है उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, लेकिन जो उसका द्रव्यमान है जो चांद पे था वही क्या होगा, पृथ्वी पे होगा। आप ऐसे समझिए, देखिए ये मान लेते ये अर्थ है आपका, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि अर्थ पे किसी भी वस्तु का भार जो होता है, वेट जो होगा, उसका फॉर्मूला हम क्या यूज करते हैं निकालने के लिए, भार निकालने के लिए किसी पृथ्वी पर, ठीक है, किसी वस्तु का भार निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, तो एम जी, ठीक है, एम यहाँ पर क्या हो जाएगा, मास, जी क्या हो जाएगा, ग्रेविटी, ठीक है। अगर मून पे हो तो, मून पे हो तो मून पे किसी वस्तु का भार निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, यानी वेट इज इक्वल टू हो जाएगा मून पर क्या हो जाएगा, एम, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा आपका जी बाई सिक्स, ये हो जाएगा आपका मून पर। इसका मतलब क्या, देखिए जब अर्थ पे है किसी वस्तु का भार, तो उस समय जो एम है, यहाँ पर भी एम है, मतलब जो मास है
यहाँ पर अर्थ में भी एम है और यहाँ पर मास, यहाँ पर भी एम ही है, मतलब मास आपका चेंज नहीं हो रहा है लेकिन जो वेट है वो देखिए चेंज हो जा रहा है। मून पे क्या हो जाएगा, 1/6 पृथ्वी का भार से, और पृथ्वी का, पृथ्वी पर जो भी भार है उसका 1/6 क्या हो जाएगा, मून पर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाएगा तो उसका मास वही रहेगा लेकिन उसका जो वेट है वो चेंज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, ये रहा ऑप्शन को ट्राई कीजिए, यहाँ पे देखिए कौन सा राइट होगा। तो ये देखिए पहला क्या है, इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, बिल्कुल ये तो मैंने आपको बताया कि नहीं, द्रव्यमान बदल ही नहीं सकता। दूसरा क्या है, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं, बिल्कुल ये वाला आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए इसको टिक करते हैं, बिल्कुल ये आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बढ़ते आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा, ठीक है, कब अधिक मालूम पड़ेगा, मतलब बोलने का मतलब है कि कोई व्यक्ति जो है वो लिफ्ट में बैठा हुआ है, ठीक है, तो व्यक्ति को अपना भार कब अधिक महसूस होगा। तो बेसिकली देखिए एक चीज़ आप याद रखिए, इससे क्वेश्चन बनता ही है, ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि कोई इंसान जो है, ठीक है, वो लिफ्ट के अंदर बैठा हुआ है तो जब लिफ्ट ऊपर जाएगा तब उस इंसान को, इंसान का जो भार है, ठीक है, इस इंसान का भार में क्या परिवर्तन देखने को उसको महसूस होगा, या फिर ये नीचे जाती रहेगी तब क्या परिवर्तन होगा, ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है। फिलहाल इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में बोला है कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार जो है कब अधिक मालूम पड़ता है, तो कब अधिक मालूम पड़ेगा, ये रहा ऑप्शन, ऑप्शन को ध्यान से देखिए। देखिए पहला है जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे जा रही हो, ठीक है, या फिर जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, या फिर समान वेग से नीचे जा रही हो, या समान वेग से ऊपर जा रही हो। तो देखिए किसी व्यक्ति का भार उसको ज़्यादा तब महसूस होगा जब त्वरित गति से, याद रखिए त्वरित गति से जो लिफ्ट है वो कहाँ जा रहा हो, ऊपर जा रहा हो, मतलब ये वाला ऑप्शन जो होगा वो आपका क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए टिक करके देखते हैं, बिल्कुल क्या हो जाएगा, जब कोई लिफ्ट जो है वो त्वरित गति से कहाँ जा रहा हो, ऊपर की ओर जा रहा हो, ठीक है, यानी ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका उल्टा, अगर त्वरित गति से नीचे जा रहा हो तो उसके भार में कमी, उस इंसान का भार में क्या होगा, कमी महसूस होगा उसको, ठीक है, तो दोनों आप याद रखिए। अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पे और बताता हूँ, ठीक है, एक चीज़ आप और यहाँ पे याद रखिए कि अगर कोई वस्तु जो है, ठीक है, वस्तु बोलिए या फिर व्यक्ति ले लीजिए, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति लिफ्ट के अंदर बैठा हुआ है और ये जो लिफ्ट है ना समान गति से ऊपर जा रहा है, समान गति से नीचे जा रहा है, मतलब ऊपर नीचे समान गति से आ जा रहा है, तो इस व्यक्ति के भार में क्या परिवर्तन होगा, तो याद रखिए इस व्यक्ति के भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर समान गति से ऊपर जा रहा हो फिर समान गति से नीचे भी आ रहा हो तो उसके, उस व्यक्ति के भार में कोई परिवर्तन उसको महसूस नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिए अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि पृथ्वी के परितः, मतलब बाहर की ओर, ठीक है, घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद जो है वो क्या होगी, मतलब ये रहा आपका अर्थ, ठीक है। अब पृथ्वी के बाहर जो घूमने वाला जो कृत्रिम उपग्रह है, मानते यहाँ पे एक सैटेलाइट है जो कि पृथ्वी के चारों तरफ क्या कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है। अब इस सैटेलाइट से अगर कोई गेंद गिरा दी जाए तो क्या होगी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जब गेंद को गिरा देंगे तो क्या होगा, ये जो गेंद है ये भी इस उपग्रह की तरह ही पृथ्वी के चारों तरफ क्या होगा, घूमना स्टार्ट कर देगा, वो पृथ्वी तक आ ही नहीं सकता, ठीक है, वो कोशिश तो करेगा लेकिन वो आ नहीं पाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है, चलिए ऑप्शन को देखिए आप ध्यान से, ये रहा पहला क्या, पृथ्वी पर चली जाएगी, चंद्रमा पर चली जाएगी, पृथ्वी पर गिरेगी, या फिर पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्ष में घूमती रहेगी, बिल्कुल ये वाला जो होगा आपका राइट आंसर होगा। मैंने आपको बताया कि वो क्या होगा, उपग्रह की तरह पृथ्वी के परितः क्या करती रहेगी, घूमती रह जाएगी, तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो, तो उस व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को लिफ्ट में जो बैठा हुआ है उसके भार में कमी उसको महसूस होगी कब, जब वो नीचे जा रही हो, मैंने आपको बताया ना, जब वो क्या नीचे जा रही होगी। देखिए किस ऑप्शन में है, तो त्वरण के साथ नीचे, ये रहा ये वाला जो होगा आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो ये रहा त्वरण के साथ नीचे जा रही हो तभी उसको
उसके भार में, उस व्यक्ति के भार में कमी महसूस होगी। बढ़ते आगे देखिए, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि किसी तुल्य, अच्छा क्या बोल रहा है, किसी तुल्यकालिक उपग्रह ठीक है कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी, ये ऊंचाई ही लिखा है, ये गलत है आपका, ऊंचाई हो गई यहाँ पर ठीक है, क्या होगा ऊंचाई, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। तो याद रखिए किसी भी तुल्यकारी उपग्रह का जो ऊंचाई है पृथ्वी सतह से कितना होगा, 36,000 किलोमीटर, ये रहा ये वाला ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर होगा 36,000 किलोमीटर, याद रखिए 36,000 किलोमीटर जो होगा वो ऊपर होगा। चलिए टिक करते इसको, बिल्कुल ये आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बढ़ते आगे, अच्छा ये तुल्यकारी उपग्रह क्या होता है, मैंने जो पीछे वाला जो भी डोज मैंने बताया वहीं पे मैंने इसको ये जो तुल्यकारी उपग्रह वगैरह क्या होता है इसके बारे में बताया। अब सभी डोज को इसलिए मैं बोलता हूँ ध्यान से देखिए ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता रहे, क्योंकि हर एक पॉइंट को हर एक डोज में बताना संभव नहीं होता ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बोलता, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पीछे वाला डोज है उसको जरूर देखिए। बढ़ते आगे देखिए, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंचाई ऊंची उछलती है, ऐसा क्यों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि किसी टेनिस के बॉल को अगर आप समतल भूमि यानी कि मैदान पर उछालें तो ये जितना उछलेगा उससे कहीं ज़्यादा कहाँ उछलेगा, वो पृथ्वी पर उछलेगा, ऐसा क्यों। तो देखिए सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे, क्या लॉजिक है, तो याद रखिए कि जो पर्वत होता है ना, जो पर्वत होता है पर्वत पर पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण होता है मतलब जी होता है वो क्या होता है, जो गुरुत्वीय त्वरण होता है ठीक है, जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो क्या होता है, काफ़ी कम होता है। जो गुरुत्वीय जो आपका जो गुरुत्वीय एक्सेलरेशन होगा, गुरुत्वीय त्वरण जो होगा वो क्या होगा, काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से ही अगर किसी टेनिस गेंद को कहाँ पहाड़ी पर उछालेंगे तो काफ़ी अधिक ऊंचाई तक ये उछलेगी। तो देखिए किस ऑप्शन में है, अच्छा चलिए ऑप्शन को देखना है, देखिए यहाँ पे तो पहला ऑप्शन देखिए, पृथ्वी पर वायुमंडल वायुदाब अपेक्षाकृत कम होता है, देखिए कम तो होता है लेकिन इससे इस क्वेश्चन से इसका कोई लेन देन है नहीं, तो ये आपका होगा नहीं, मैंने आपको समझाया रीज़न क्या है। अच्छा पर्वतों पर गेंद और हल्की हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं ठीक है, पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम होता है, बिल्कुल ये वाला आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि पर्वतों पर पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है वो क्या होता है, कम हो जाता है, तो ये वाला आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ठीक है। बढ़ते आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर किसी अर्थ का ठीक है, किसी का एक ही तो अर्थ है, तो अगर पृथ्वी का जो जी है मतलब गुरुत्वाकर्षण है ठीक है वो अचानक से लुप्त हो जाए मतलब एकदम खत्म हो जाए, गायब हो जाए, जीरो हो जाए, तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा। देखिए ऑप्शन, कौन सा परिणाम सही होगा, ये रहा अगर क्या बोला था, अगर अर्थ का जी जो है वो क्या होगा, जीरो हो जाए तो क्या होगा, तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, या फिर वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा, वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएगा, या वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो बहुत ही आसान है, आसानी से आप कर सकते हैं, देखिए वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा ऐसा तो होगा नहीं, चेंज होगा नहीं, वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएगा ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि द्रव्यमान तो सेम रहेगा, उसके वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा ये भी गलत, द्रव्यमान तो वही रहेगा, तो ये वाला आपका राइट आंसर होगा। क्या बोल रहा है, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही होगा, क्योंकि किसी वस्तु का भार उस पर लगाया गया पृथ्वी द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण है ठीक है उसी पे निर्भर करता है, तो ये वाला जो होगा आपको पहला नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ठीक है। यदि क्वेश्चन क्या था, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम होगा, तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। चलिए टिक करते इसको, बिल्कुल सही है। बढ़ते आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अच्छा अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है, तो बहुत ही आसान है, 1/6 मैंने आपको बताया कि अगर आप मून पे जाएंगे ठीक है तो आपका जो वेट होगा वो क्या होगा, वेट इक्वल टू हो जाएगा एम, वेट इक्वल टू हो जाएगा एम इंटू जी बाई 6 ठीक है, ये मैंने आपको बताया। तो यानी क्या हो गया, इससे आप निकाल सकते हैं कि पृथ्वी पे जो भी अर्थ पे जो भी भार होगा उसका क्या हो जाएगा, 1/6 जो होगा वो
मून पे हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, मून पर हो जाएगा। तो बस आपका राइट आंसर क्या होगा, 16। देखिए ये रहा, ये वाला आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 16। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है, तो 1/6। बढ़ते आगे, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए BPSC, ठीक है, 2005 का क्वेश्चन है। बोले कि लोलक यानी इसको पेंडुलम बोलते हैं, कि आवर्तकाल जिसको टाइम पीरियड बोलेंगे इंग्लिश में क्या होती है। तो सबसे पहले समझिए कि ये आवर्तकाल है क्या, ठीक है, सबसे पहले ये समझिए कि आवर्तकाल है क्या। तो याद रखिए किसी भी पेंडुलम, ठीक है, किसी पेंडुलम द्वारा, किसी भी पेंडुलम द्वारा क्या हो, जो मध्य स्थिति में दोनों ओर चक्कर, ठीक है, मध्य स्थिति में क्या, दोनों ओर चक्कर लगाने में जो भी समय लगेगा उसी को बोलेंगे क्या, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड बोलेंगे। आई होप आपको समझ में आया। अच्छा, ये जो आवर्तकाल है इसको टाइम पीरियड इंग्लिश में बोलते हैं, इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, किससे दिखाते हैं, तो याद रखिए हम टी से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, टी से दिखाते हैं, ठीक है, याद रखिए। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या बोला है कि लोलक की आवर्तकाल क्या होगी, ठीक है, लोलक की आवर्तकाल क्या होगी, तो मतलब कि बेसिकली बोला है कि किस पर निर्भर करती है, ऑप्शन से और क्लियर होगा। देखिए बोल रहा है ना कि द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, तापक्रम पर निर्भर करती है, इसमें से अच्छा समय के ऊपर निर्भर करती है, तो राइट आंसर क्या होगा, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, ठीक है। जो लोलक होता है उसका आवर्तकाल किस पर निर्भर करेगी, कब कम होगा या ज़्यादा होगा, डिपेंड करता है कि कितना लंबा या कितना छोटा है, तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन लास्ट में आपसे पूछूंगा, एक क्वेश्चन वैसे भी बनता है, आप बताइए कि किसी लोलक, ठीक है, किसी भी लोलक का लंबाई अगर बढ़ा दिया जाए, ठीक है, अगर इंक्रीज किया जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, अगर डिक्रीज कर दिया जाए तो आवर्तकाल क्या होगा, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, देखते कितने का जो साइंस का अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, आप फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। एक बात और मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि देखिए हर रोज़ मैं इस ढंग का डोज लाता हूँ जहाँ पे सही अप्रोच बताता हूँ साइंस के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। अगर आपको पसंद आ रही हो सभी के डोज, तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको हर रोज इस ढंग का डोज मिलता रहे, और एक लाइक तो बनता ही है, ठीक है, मेरे मेहनत का। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, अगले डोज में, तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।